हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनबीर सिंह द क्लास ईएडी ग्रुप आप सभी का वेलकम करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो बोलियों की संख्या कितनी होती है और बोलियां होती कौन सी, अपभ्रंश कौन सा होता है, उपभाषा या विभाषा कौन सी होती है। ठीक है, तो आज मैं इसी में याद भी करा दूंगा आपको। तो यहाँ देखेंगे ध्यान से, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, अपभ्रंश होता है बेटा, जैसे संस्कृत से पाली आई, पाली से प्राकृत आई, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश टूटना शुरू हो गया। ठीक है, तो एक आता है सौसेनी अपभ्रंश, दूसरा सौसेनी अपभ्रंश, फिर अर्धमागधी, फिर मागधी, फिर खस अपभ्रंश आता है। तो यहां देखेंगे बेटा, सौसेनी अपभ्रंश से जो उपभाषा निकली, यानी कि विभाषा, उपभाषा को विभाषा बोला जाता है, पश्चिमी हिंदी निकली। और पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां निकली वो निकली ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, कौरवी। ठीक है, अब ऐसे अगला अपभ्रंश आता है सौरसैनी, सौरसैनी से उपभाषा निकली, वो निकली राजस्थानी हिंदी। और राजस्थानी हिंदी से जो बोलियां निकली मालवी, मारवाड़ी, मेवाती और जयपुरी। फिर आता है अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश से जो उपभाषा निकली वो निकली पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी की बोलियां निकली अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, फिर आता है मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश से उपभाषा निकली बिहारी हिंदी या बिहारी हिंदी, और इससे जो बोलियां निकली मगही, मैथिली और भोजपुरी। ठीक है, फिर आता है खस अपभ्रंश, खस अपभ्रंश से जो उपभाषा निकली वो निकली पहाड़ी हिंदी, और इससे जो बोलियां निकली वो निकली गढ़वाली, कुमाऊनी। ठीक है, याद कैसे करना है मैं क्लास में याद कराऊंगा आपको। देखो, पहले सौरसैनी अपभ्रंश, सौरसैनी यानी सूर्य देवता निकलते हैं, सूर्य देवता निकलते हैं सबसे पहले, सूर्य देवता निकलेंगे तो कौन सा ईस्ट वाला पोर्शन आएगा और इसके बाद में पश्चिमी। तो यहां से ध्यान रखना है पश्चिमी पोर्शन आ गया, तो पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी की बोलियां क्या है, ब्रज बोली और बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, कौरवी, दक्षिणी। इसे याद कैसे रखना है बोलियों को, ब्रज बुक लेने हरियाणा के कौरव दक्षिण गए, क्या ब्रज बुक लेने हरियाणा के कौरव दक्षिण गए, ब्रज से ब्रज भाषा, बू से बुंदेली, कैसे कन्नौजी, हरियाणा से हरियाणवी, कौरव से कौरवी। एक चीज और, हरियाणवी को जो बोला जाता है, कौरवी को तो खड़ी बोली बोला जाता है यहाँ पे, ठीक है ना, कौरवी को दूसरा नाम क्या है, खड़ी बोली, और हरियाणवी का बांगरू भी है, दूसरा नाम क्या है इसका, बांगरू। तो ये ध्यान रखेंगे, इसका दूसरा नाम क्या है, बांगरू। ठीक है, बांगरू। अब सौरसैनी भाई, सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ होती है, राजस्थान में होती है, तो राजस्थानी हिंदी निकली। तो इसकी जो बोलियां हैं वो मालवी, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी। मामा मेवा लेकर जयपुर गए, माँ से मालवी, माँ से मारवाड़ी, मेवा से मेवाड़ी या मेवाती, मेवाड़ी या मेवाती दोनों बोल देते हैं, जयपुर से जयपुरी हो जाएगी। ठीक है, और जयपुरी का जो दूसरा नाम है वो है भैया ढूंढाड़ी, जयपुरी का दूसरा नाम बोला जाता है ढूंढाड़ी और बोला जाता है। ठीक है, क्या, ढूंढाड़ी। तो ये भी ध्यान रखेंगे, दूसरा नाम ढूंढाड़ी। अब आता है अर्धमागधी, अर्धमागधी यानी कि मगध कहाँ था, बिहार में तो था, पूर्वी क्षेत्र में था, तो पूर्वी हिंदी। अर्धमागधी से कौन सी आ गई, पूर्वी हिंदी। तो इसका जो आएगा, इसका जो याद करने का तरीका, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ए बी सी। ठीक है ना, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब आता है मगध, मगध कहाँ था, बिहार में था, बिहारी हिंदी आ गई, बिहारी हिंदी से मगही और मैथिली और भोजपुरी। तो ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वेयर बी, ये बन जाएगा एम स्क्वेयर बी। ठीक है, मगही, एम से मगही, एम से मैथिली और बी से भोजपुरी हो गई। और खस, खस को खस अपभ्रंश, खस को सौरसैनी अपभ्रंश भी, अगर खस अपभ्रंश ना मिले तो इसे अपभ्रंश, ठीक है, सौरसैनी भी बोलते हैं। तो इससे निकली है पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी कौन सी है, गढ़वाली और कुमाऊनी। ठीक है, तो ये याद कैसे रखना। और एक चीज और यहाँ पे देखेंगे, जो मेवाती बोली जाती है ना, ये नॉर्थ में बोली जाती है, किधर, नॉर्थ वाले क्षेत्र में, जहां से गुड़गांव से जो राजस्थान लगा हुआ ना, गुरुग्राम से, गुड़गांव से, गुरुग्राम से जो राजस्थान लगा हुआ है, वो क्षेत्र में वो मेवाती बोली जाती है। यहाँ बोली जाती है वेस्ट में, मारवाड़ी कहाँ, वेस्ट में, और जयपुरी कहाँ, ईस्ट वाले पोर्शन में बोली जाती है, और ये कहाँ, मालवी कहाँ, साउथ वाले पोर्शन में बोली जाती है, साउथ। और जयपुरी का दूसरा नाम क्या है, ढूंढाड़ी भी है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे और ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो मेरे साथ एक बार रिपीट करेंगे इनको, और यहाँ बोलियों से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूं अपभ्रंश, अपभ्रंश होते हैं पांच, कितने होते हैं पांच, सौरसैनी, सौरसैनी, अर्धमागधी, मागधी और खस। ठीक है, सौरसैनी से निकला पहले पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी की बोलियां क्या है, ब्रज बुक लेने हरियाणा के कौरव गए, ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, कौरवी, हरियाणवी, हरियाणवी को बांगरू बोला जाता है, कौरवी को खड़ी बोली बोला जाता है। दूसरा आता है सौरसैनी राजस्थानी हिंदी, सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ होती है, राजस्थान में, तो राजस्थानी हिंदी निकली। तो मामा मेवा लेकर जयपुर गए, मालवी, मारवाड़ी और मेवाती और जयपुरी, जयपुरी को ढोनाड़ी बोला जाता है। फिर आता है अर्धमागधी अपभ्रंश, तो पूर्वी हिंदी, एबीसी, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। फिर आता है मागधी, मगध कहाँ था, बिहार में, तो बिहारी हिंदी,
मगई एम स्केर भी मगई मैथिली भोजपुरी, फिर आता है खस अपभ्रंश, खस से कौन सी निकली पहाड़ी हिंदी तो कुमाऊनी और गढ़वाली, ठीक है। हरियाणवी को बांगरू भी बोला जाता है और कौरवी को खड़ी बोली बोला जाता है, जयपुरी को ढोनाड़ी बोली भी बोला जाता है, इतना ध्यान रखेंगे। दूसरा क्या ध्यान रखना है, जो मैथिली होती है उसे मैथिल कोकिल भी बोला जाता है, जो मैथिली होती है मैथिली जो है इसे मैथिल कोकिल भी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे, मैथिल कोकिल भी बोला जाता है, मैथिल कोकिल, ठीक है, मैथिल कोकिल भी बोला जाता है। किसको? मैथिली को मैथिल कोकिल भी बोला जाता है, ठीक है। अवधि कहाँ नजर आ रही है आपको? अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी, जो ये अवधि है ना, जो ये अवधि है, तो भैया यह ध्यान रखेंगे, तो अवधि में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किसमें है? अवधि में है, किसमें? अवधि में। और मलिक मोहम्मद जायसी साहब ने पद्मावत भी किसमें लिखी है? अवधि में लिखी है, अवधि में रामचरितमानस है और पद्मावत, पद्मावत किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की है, और रामचरितमानस किसने लिखी है? तुलसीदास जी ने, तो वो किसमें? अवधि में। तो ये ध्यान रखेंगे, आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, ऐसे ही शॉर्ट वीडियो में आपको देता रहूंगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, 100% बनता है, ठीक है। तो ऐसे ही शॉर्ट वीडियो के लिए आप वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताएंगे सेशन कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच।